नमस्कार, न्यूज मोबाइल की इस विशेष कवरेज नमस्ते ट्रंप में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत की यात्रा है, क्यों इस पर इतनी तवज्जो दी जा रही है? बड़ा कारण है। कई लोग कह रहे हैं कि इतना करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, क्यों ये सब किया जा रहा है? इसका कारण है, ये जो यात्रा है और ये जो विजिट होती है, स्टेट विजिट होती है, भारत और उस देश के सामायिक संबंधों को आगे बढ़ाती है। और अमेरिका और भारत के जो सामायिक संबंध है बहुत ज़रूरी है। भारत को चाहे अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अमेरिका की ज़रूरत हो, अमेरिका को भी अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भारत की ज़रूरत है। दूसरी बात, आतंकवाद से जो लड़ाई है उसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान पर लगाम लगाने का काम भी करेंगे, इसलिए ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ मिलकर काम करे ताकि चीन से जो खतरा है वहाँ पर उसको दूर किया जा सके, एक बैलेंसिंग फैक्टर जो है उसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा है उसको एक बड़ी तवज्जो दी जाए, अच्छी तरह की जाए। तीसरी बात, भारत के बहुत ज़्यादा 1 लाख से ऊपर ऐसे हैं जो जॉब क्रिएट हुए हैं भारत की कंपनी द्वारा। कई अमेरिकी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, गूगल है, फेसबुक है, अमेज़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, कई ज़्यादा उन्होंने जॉब्स जो है, नौकरियाँ हैं भारत में क्रिएट की हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि दोनों देशों के बीच में ये एक जो पूरा रिश्ता है वो अच्छा बना रहे, उसके लिए इन जो ऐसी यात्राएँ होती हैं उनका बहुत महत्व है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसकी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका होती है, और राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार ऐसी बात हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे भारत आ रहे हैं, किसी और देश के साथ इस विजिट को नहीं जोड़ा गया है, तो इसकी भी अहमियत है। जो सितंबर में हाउडी एक जो मोदी वहाँ पर हुआ, वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति आए, उसके बाद जो है यूएन में भी दोनों की मुलाकात हुई, उसकी एक अलग अहमियत थी। सो इसलिए हमें जो मूल मुद्दा है उस पर फोकस करना चाहिए कि इस विजिट से हमको एक बड़ा सामायिक फ़ायदा होगा, डिफेंस में कोऑपरेशन होगा, भारत हार्डवेयर जो है अमेरिका से खरीदेगा, हेलीकॉप्टर्स पे डील होगी, और भी कई डील्स की संभावना है। उसके अलावा जो ट्रेड है इस पर भी दोनों आगे बात करेंगे, हालांकि जो ट्रेड डील है वो नहीं हो रही है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों देश अपने अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उसमें मिलकर काम करेंगे। भारत के राष्ट्रीय हित में नहीं था कि ट्रेड डील जिस टर्म्स पे दी जा रही थी वो एक्सेप्ट करे, तो भारत ने नकार दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई दबाव में आके कोई कुछ करेगा, इसलिए भी ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस समय जो है अपनी जो कूटनीति है उसके एक बड़े आयाम और बड़े पड़ाव से गुजर रहा है, और अमेरिका के साथ जो रिश्ते अच्छे हुए हैं वो इस बात से पूरी इसकी पुष्टि होती है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ईयर में वो आ रहे हैं। हालांकि गुजरात में इतने बड़े स्टेडियम में जो ये नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जा रहा है, इससे उनको भी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुजराती जो हैं वो अमेरिका में वोटर्स हैं और एक मैसेज जाता है। पर डोनाल्ड ट्रंप, मैंने उनका साक्षात्कार किया है, उनको ये सब बड़े इवेंट्स बहुत पसंद होते हैं, और वो इस बात को कह भी रहे हैं खुल के कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। भारत का वैसे भी एक अतिथि देवो भव का एक पूरा एक प्रचलन है, तो उसी नीति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का इस बड़ी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। पर ये जो पूरा दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अमरीका भारत के जो संबंध है उसको ये एक नया आयाम देगा। आप पूरी विजिट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट hindi.newsmobile.in पर जाएं, www.newsmobile.in पर जाएं और हमें बताएं आपको क्या लगता है कि ये दौरा कितना अहम है, और आपको इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी।